इन दिनों राजनीतिक खेमे में बड़ी ही खींचतान देखी जा रही है। भाजपा कांग्रेस की एक दूसरे के प्रति कट्टरता और दुश्मनी बढ़ती देखी जा रही है और विधायकों की खरीद फरोख्त भी कुछ जारी है। सचिन पायलट को लेकर इन दिनों भाजपा और कांग्रेस में घमासान समझा हुआ है। इसी बीच आज हम आपके लिए एक जानकारी लेकर आए हैं, वो सचिन पायलट से जुड़ी हुई है और साथ ही साथ उनकी पत्नी से भी जुड़ी हुई है, या ये कहें कि उनके जीवन से जुड़ी हुई है। सचिन पायलट की पत्नी सारा पायलट बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस महिला है। वैसे तो राजनीति के गलियारे में सचिन पायलट की पत्नी सारा पायलट की चर्चा कम ही होती है, लेकिन सारा पायलट का राजनीति के साथ जन्म से ही बड़ा गहरा नाता है। सचिन पायलट की पत्नी सारा पायलट जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला की बेटी और उमर अब्दुल्ला की बहन है। जी हाँ, बताया जाता है कि सारा पायलट और सचिन पायलट के बीच बेहद ही गजब की केमिस्ट्री है। वो कहा जाता है ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और ये बात शायद सचिन पायलट पर बिल्कुल ठीक बैठती है, क्योंकि सचिन पायलट की पत्नी सारा पायलट के सपोर्ट के बिना राजनीति की दुनिया में इतना बड़ा मुकाम पाना मुश्किल होता। जम्मू कश्मीर में जब 90 के दशक में अशांति और अराजकता का वातावरण बन रहा था, फारूक अब्दुल्ला ने घाटी में अशांति और असुरक्षा के माहौल को देखते हुए अपनी बेटी सारा को लंदन भेज दिया। इसके बाद सारा पायलट ने अपनी ज़िंदगी के कई साल विदेश में गुजारे। सारा पायलट के पिता फारूक अब्दुल्ला और सचिन पायलट के पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट राजनीतिक दोस्त थे। एक शादी समारोह में जब परिवार का मिलना हुआ तब वहाँ पर सचिन पायलट और सारा पायलट की पहली मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन पहली मुलाकात होने के बाद, एक दूसरे को पसंद कर लेने के बाद मिलना काफ़ी कठिन था। दोनों को एक दूसरे से मिलने के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ा। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद जब सचिन पायलट MBA मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए अमेरिका गए तब वहाँ पर मुलाकात हुई। पढ़ते पढ़ते दोनों को प्यार हो गया। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया के वार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस में धीरे धीरे सारा पायलट और सचिन पायलट की दोस्ती प्यार में बदलने लगी। सचिन और सारा जब एक दूसरे को डेट करने लगे, लेकिन दोनों की लव स्टोरी में ट्विस्ट आना बाकी था, या ये कहें कि कुछ रोड़े थे जो आना बाकी थे। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायकों ने कहा था कि इस्लाम के मुताबिक मुस्लिम युवक किसी भी गैर मुस्लिम महिला से शादी कर सकता है, लेकिन कोई मुस्लिम महिला किसी गैर मुस्लिम युवक से शादी नहीं कर सकती। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने सचिन और सारा के प्यार पर पहरा लगा दिया। यहाँ तक कि उन दोनों को फ़ोन पर बातचीत करने के लिए भी मनाही कर दी गई। फारूक अब्दुल्ला की इस पाबंदी के बाद दोनों ने कुछ समय इंतज़ार करने की सोची कि शायद कुछ वक्त के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और लोग नॉर्मल हो जाएंगे। सारा, सचिन, शादी और बच्चे, जब इस तरह इंतज़ार में कुछ 3 साल निकल गए, फिर दोनों ने फैसला लिया कि वो शादी कर लेंगे। 15 जनवरी 2004 को एक सादे समारोह में सचिन और सारा की शादी हुई। इस शादी में सारा पायलट के पिता फारूक अब्दुल्ला और उनके भाई उमर अब्दुल्ला शामिल नहीं हुए। अब सारा और सचिन पायलट की शादी को 14 साल के करीब हो गए हैं। सचिन और सारा पायलट खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। सचिन और सारा पायलट के आरन और रिहान नाम के 2 बेटे भी हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।